हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक्सेल ट्रिक्स में एक बार फिर से। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है आपका कैलकुलेटिंग एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है किसी भी शेयर के ऊपर कैसे हम निकालते हैं, उसको आज हम सीखने जा रहे हैं। तो चलिए, आप सबका स्वागत है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्रूड इंटरेस्ट किस तरीके से काम करता है। इसका डेफिनेशन जो हम देख पा रहे हैं, ये फंक्शन यूज करते हैं टू कैलकुलेट एक्रूड इंटरेस्ट फॉर सिक्योरिटी विच पेज पीरियोडिक इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट होता है किसी भी शेयर या बॉन्ड के ऊपर, उसकी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि पीरियोडिकली होता है मे बी, और इसके पीरियड जो होते हैं चार तरीके के पीरियड होते हैं। हम फार्मूला भी देख सकते हैं, जो हमारा एक्रूड इंटरेस्ट का फार्मूला है वो इस प्रकार से है। हम एक एक करके समझते हैं पहले, और उसके बाद फिर इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो पहला एलिमेंट है इसमें इश्यू डेट, वो डेट जिस दिन कोई कंपनी अपना शेयर या बॉन्ड इशू करती है, इसको हम लोग इशू डेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इस, और इसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। नेक्स्ट फेज में आता है फर्स्ट इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट जो हमें कंपनी देती है। थर्ड फेज में आता है हमारा सेटलमेंट, कौन से डेट को सेटलमेंट हो रहा है हमारा, वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। एक ध्यान देने वाली बात ये है हमें कि इन तीनों में डेट्स फॉर्मेट प्रॉपर होना चाहिए। अगर डेट फॉर्मेटिंग की गलती हो गई तो हमारा आंसर गलत आएगा या मे बी ना आए, ठीक है। तो ये छोटा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट फेज आता है हमारा रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिफाइन किया है कंपनी ने, वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है या इन्फॉर्म करते हैं हम। फिर आता है एट पार वैल्यू, जो कि कंपनी ने शेयर को का कोई वैल्यू दिया हुआ है, ये वो वैल्यू है। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, जैसा मैंने बताया कि क्या फ्रीक्वेंसी है, पीरियोडिक किस तरीके का है। टोटल तीन तरीके के पीरियोडिक होते हैं, या तो एनुअल, हाफ ईयरली या क्वार्टरली, जिसको हम लोग 1, 2 या 4 से डिनोट करते हैं। लास्ट में दो एलिमेंट्स आते हैं, बेसिक और कैलकुलेशन मेथड, ये दोनों ऑप्शनल है, हम इनको भी समझ लेते हैं। बेसिक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बेसिक का मतलब ये है कि जो कैलकुलेशन मेथड है, जैसे कि ईयरली हमारा कुछ कंट्रीज में 360 होता है, कुछ में 365, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। तो लेट सपोज अगर हम इंडिया की बात करें तो 365 जो एक्चुअल डे है अपॉन 365, ये बेसिस हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम स्मॉल फॉर्म में डिनोट करते हैं, वो है 0, 1, 2, 3 या 4, इनमें से जो भी एप्लीकेबल हो वो हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो आता है कैलकुलेशन मेथड जो आता है, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो जो कैलकुलेशन हो रहा है वो जिस दिन आपका शेयर इशू हुआ है, इशू डेट जो है वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अगर वैसा है तो उस केस में 0 यूज होता है, अदरवाइज 1 यूज होगा, जो कि सेटलमेंट डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। तो ये सारे स्टेप्स को कंप्लीट करके हम लोग एक्रूड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। चलिए, हम आपको एक्सेल में एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें आसानी होगा समझने में। जैसा कि मैंने ये दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, पहले में दिया हुआ है इश्यू डेट, पहला डेट जो जिसपे हमारा शेयर या बॉन्ड इशू हुआ है। नेक्स्ट आता है पहला इंटरेस्ट डेट, जब कंपनी ने डिक्लेयर किया कि हम इस पर्टिकुलर डेट को इंटरेस्ट देंगे। सेटलमेंट डेट, जो भी कंपनी ने डिसाइड किया कि ये सेटलमेंट डेट होगा जिस दिन हम सेटल करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट होगा आपका। पार वैल्यू, और आपके शेयर की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर डिनोट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 4 लिखा है, 1, 2 या 4 हो सकता है, 1 मे बी ईयरली, 2 हाफ ईयरली और 4 क्वार्टरली को इंडिकेट करता है। तो इसमें से डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिस, यहाँ पे आप बेसिस 0 से लेकर के 4 तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपका डेट का मेथड है, 365 डेज है, मे बी 360 डेज है, और डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री वो आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और फाइनली कैलकुलेशन मेथड, आइदर 0 और 1, 0 डिनोट करता है आपका एकदम जिस दिन ये इशू डेट स्टार्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, और अगर ये 1 होता है तो सेटलमेंट डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा। तो चलिए, हम इसको सिंपली
करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। इज इक्वल टू ए सी सी आर आई एन टी अक्रूड इंटरेस्ट, उसी का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने दिया है ए सी सी अक्रूड आई एन टी इंटरेस्ट, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट, पहला आ गया इशू डेट, हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट हमने इसको सेलेक्ट किया कॉमा, सेटलमेंट डेट हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट आता है रेट ये डिफाइंड है कॉमा, फिर आता है फ्रीक्वेंसी जो भी पार वैल्यू जो भी पार वैल्यू कंपनी ने डिक्लेयर किया वो, फिर अगेन कॉमा, फिर आता है फ्रीक्वेंसी जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, एंड फाइनली ये दो चीज़ें हैं, एक तो बेसिस जो भी बेसिस आपका कंट्री यूज करता है वो, और फाइनली कैलकुलेशन मेथड जीरो या वन में से कोई एक। ये कंप्लीट करने के बाद दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कीजिए, आपको आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये आपका अक्रूड इंटरेस्ट जिसको बोलेंगे वो आपकी ये पर क्वार्टर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली है तो ये आपकी क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी आ गई। सेम वे में हम ये दूसरा वाला भी कैलकुलेट करके देखते हैं, ए सी सी आर आई एन टी स्मॉल ब्रैकेट इशू डेट कॉमा, हमेशा ध्यान रखिए कि ये डेट फॉर्मेट सही हो, अदरवाइज आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली जिस सीक्वेंस में ये दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में आप सारा डेटा डिफाइन कर लें और बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हम अगर देखें, ये दूसरा एग्जांपल दिया है 221, ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ठीक लगा हो तो डेफिनेटली आप इसको लाइक कर सकते हैं, और भी वीडियोस अगर आपको देखने हैं, जो भी मैं नए नए वीडियोस देता हूं तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल, ताकि आप बाकी चीज़ें भी जो नहीं आती हैं वीडियोस वो भी देख पाएँ, और फाइनली किसी और को भी अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो उसको भी कर सकते हैं, ताकि दूसरे को भी कोई फ़ायदा हो सकते, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।